नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। हम पहले टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें लगभग हमने 20 से 22 टेस्ट कर लिए हैं। आज हम जो एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो फंडामेंटल्स बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर फंडामेंटल्स कुछ गलतियाँ कर लेते हैं जिसके कारण जो है आपका स्कोर ख़राब हो जाता है। तो हम उसी पे बात करने वाले कि क्या कैसे रणनीति करनी है, एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, जो प्रेशर है या जो समय है हमारे पास 2 घंटे उस एग्ज़ाम में, तो आप उसे कैसे पूरा का पूरा उपयोग कर सकते हैं और बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। आज हम 5 हेडिंग के अंतर्गत बात करेंगे। एक तो सामान्य बातें, जो जनरल बातें हैं, आवश्यक वस्तुएँ, कैसे कैसे एग्ज़ाम में चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे उन्हें अरेंज करना है, इस पर बात करेंगे। पेपर के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। फेवरेट विषय कैसे हैंडल करना है ये देखेंगे, और कितने अटेम्प्ट करने हैं या कट ऑफ कितने होंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करने वाले, ठीक है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे रेड बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और आप हमारे ग्रुप सीटेट मेंटर को ज़रूर ज्वाइन करें। फेसबुक पर सीटेट मेंटर ग्रुप आपको मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करें। नीचे मैंने वैसे कमेंट में लिंक अवेलेबल करा दी है, ज़रूर ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात की सामान्य बातें क्या क्या हमें जान लेनी चाहिए, बार बार आप इसे लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में। पहली बात कि भाषा क्या होगा पेपर का, जो पेपर की भाषा को लेकर आप लोगों का प्रश्न मैं ग्रुप में भी देखता हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग अभी भी कन्फ्यूज है। तो पेपर बाइलिंगुअल ही आएगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में पेपर आएगी, ठीक है। अगर आपने ओनली इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपकी पेपर हो सकती है कि केवल इंग्लिश में रहें, अदरवाइज़ अगर आपने हिंदी मीडियम किया है तो आपको दोनों भाषा की पेपर मिलेगी, मतलब दोनों भाषा में आपकी पूरी पेपर होगी। दूसरा कन्फ्यूजन मुख्यतः क्या है कि पेपर वन क्वालिफाइंग है या नहीं है, क्या है इसे लेकर। तो पेपर वन में आपको यूनिट वन पेपर तो एक ही होना है, उसमें जो यूनिट वन है, मतलब कि जो जनरल पेपर है, जो कॉमन पेपर है, उसमें आपको 40% स्कोर करना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप 40% स्कोर नहीं करते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, सेकेंड पेपर। इसलिए आपको यूनिट वन में, जो कि 100 नंबर का है, उसमें आपको कम से कम 40 मार्क्स तक लाने हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ला देंगे आराम से, इसे लेकर लोड ना ले ज़्यादा। और तीसरी बात कि इसके अलावा जो है कोई पेपर नहीं होना है, एक ही पेपर है आपका, केवल इसी पेपर में दो यूनिट है, यूनिट वन और यूनिट टू, ठीक है। एक कॉमन पेपर और एक आपका साइकोलॉजी का, जो चाइल्ड साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर जो आपके सब्जेक्ट के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे संबंधित चीज़ें आएंगी। तो एक ही पेपर होना है इसके, ऐसा नहीं है कि इसका मेंस होगा या इसके बाद में भी एक और पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल यही पेपर देना है और इसी के स्कोर के बेस पे आपका कट ऑफ बनेगा। ये पहली बातें हो गई जो हमारे पास सामान्य बातें करनी है। दूसरी बात की आवश्यक वस्तुएं क्या क्या आपको लेके जानी है। चूँकि ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, तो आपके पास दो पेन, या तो ब्लैक या ब्लू, ठीक है, आपके पास दो पेन होने चाहिए जो थोड़ा मोटा चलता हो, जो मोटा कलर करना होगा आपको OMR शीट पे। तो उसके लिए जो है आपको 10 रुपये का एक रिनॉल्ड्स का पेन आता है, काफ़ी मोटा चलता है वो स्पेशली एग्ज़ाम्स के लिए ही होता है। अभी दिमाग से मेरे निकल रहा है वो उसका नाम, लेकिन आप 10 रुपये वाला जो रिनॉल्ड्स का एक पेन आता है मोटा चलने वाला, आप अगर आप शॉपकीपर से भी मांगेंगे तो वो मिल जाता है, तो आप उसे ले ले, कोई ऐसी दुकान से ले ले, या कोई भी आप ब्लू या ब्लैक पेन जो थोड़ी मोटी चलती हो, क्योंकि OMR शीट कलर करने में आपको कम समय लगेगा। तो दो पेन जरूर रखें और दोनों सेम कलर का रखें, या तो दोनों ब्लैक रखें या दोनों ब्लू रखें। आप अपने मार्कशीट के साथ जो डिटेल आई होगी उसमें देख लीजिएगा, या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा, मैंने नहीं देखा है उसे, तो आप वहाँ से देख लें। और अगर घड़ी जो है अलाउ होगी तो वॉच जरूर ले लें, ठीक है, वॉच ले लें। और एग्जामिनेशन के लिए जो पैड रहता है जिस पर रख के हम लिखते हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा। ये तीन चीज़ें ले सकते हैं। अगर अलाउ नहीं होगा तो ऐसा कीजिएगा कि जो एग्जामिनेशन पैड है वो बिल्कुल वाइट हो या बिल्कुल नहीं हो, साफ़ सुथरी हो, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो, वो अलाउ होता है। अगर अलाउ नहीं भी होगा तो वो जमा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, वाइटनर भी रख सकते हैं आप, अगर लेते जाइएगा, अगर अलाउ होगा तो, ठीक है। और सबसे उसमें काम की बात यह है कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो
पहले जो डिटेल आपकी फिलअप करनी है, जो भी आपका नेम रोल नंबर या जो भी डिटेल फिलअप करनी है, उसे बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर वो गलत हुआ तो आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा, पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। और एग्ज़ाम देने से पहले, जैसे संडे को आपका एग्ज़ाम है, तो आप सैटरडे के नाइट में ही सारी चीज़ों को, जो बैग आप ले जाने वाले हैं या जो भी पर्स, अगर लेडीज़ हैं तो पर्स अगर आप ले जाने वाली हैं, तो आप उसमें सारी चीज़ों को पैक कर लेंगी, ताकि जो है आपको अगले दिन ज़्यादा खोजबीन नहीं करना पड़े। या एक लिस्ट बेसिक बना लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, जैसे वाइटनर है, पेन है, वाटर की बोतल है, वो भी आप रख लीजिए, पानी की बोतल आप रख लीजिए साथ में, वाइटनर के साथ साथ पेन है या एग्जामिनेशन पैड है, जो भी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप रख ले। घड़ी है, वॉच भी ले ले। ये 5-6 चीज़ों की आप लिस्ट बना ले और इन्हें जो है सैटरडे को नाइट में ही पैक करके रख दे, ताकि आपको रिलैक्स रहेगा अगले दिन। ठीक है, अब हम आते हैं मुख्य बातें पे, कि पेपर जो है कैसे हैंडल करना है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हम इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए हम तीसरे हेडिंग को बात करने वाले हैं इस पे। चलिए थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छे से मैं इसे समझाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें हर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उसमें तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक होता है ईजी सेक्शन। ठीक है, बहुत जो आप पढ़े हुए हैं सीधे वो क्वेश्चन आया है, आप उस जानते हैं। ठीक है, दूसरा होता है 50-50, और तीसरा क्या होता है 30-70 या बिल्कुल जीरो, आपको नहीं पता है कुछ भी उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस तरह के तीन तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले समझिए चीज़ों को। पहले आपके पास जब पेपर मिलता है, ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 200 नंबर तक आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये नहीं क्वेश्चन मिला और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 131 है, ऐसे डिजिट में आ रहा होगा क्रमबद्ध रूप में। तो आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे उसके चारों ऑप्शन में से जो आपको अगर आ रहे हैं उसी समय, तो उसे टिक करते जाएँ। ठीक है, कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, जिसका आपको 100% पता है, जिस पर आप कन्फर्म है कि इसका यही आंसर होगा, उसे आप टिक कर लें। तो जब आप 200 में, मतलब कि एक नज़र में जो आपका सही हो जा रहा है, ठीक, और जिसमें लग रहा है आपको कि हाँ ये मैं 50-50 में हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, इसमें मुझे खास दिक्कत नहीं आएगी, तो उस क्वेश्चन नंबर को क्या करना है, आपको सर्किल कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, जिस क्वेश्चन पे आप 50-50 पे हैं कि इस दो ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो उस क्वेश्चन नंबर को सर्किल कर देना है। ठीक है, तो पहले राउंड में जैसे आपने 200 में से कर लिए 70 क्वेश्चन, ठीक, मतलब कि एक बार देखा बन गया, और क्वेश्चन पे सारे ऑप्शन को पढ़ना है आपने, 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शंस को पढ़िए, और फिर जो है आसान जो क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन को तो और ध्यान से पढ़िए, तक क्योंकि आसान अगर गलत होता है तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं, ह्यूमन एरर बोलते हैं इसे। आपका ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 100% जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं टिक मारना है, सारे ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही जो है आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, तो जैसे 70 आ गए आपको, अब इस 70 को क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन और नहीं करना है, जो 50-50 जो डाउट वाले हैं उसको नहीं करना है, पहले इस 70 को आपने सर्किल कर लेना है OMR शीट पे। इससे क्या होगा, जब आप 70 को सर्किल करेंगे 200 क्वेश्चन में से, तो होगा क्या कि थोड़ी देर आपके दिमाग को रिलैक्स मिल जाएगा, और रिलैक्स मिलने के साथ साथ क्या होगा, जो अदर क्वेश्चन आप पढ़े हैं, जैसे 130 जो क्वेश्चन बच गए, उसे भी आपने एक बार पढ़ लिया है, तो वो आपके दिमाग में जो है वो कैलकुलेशन जारी रहेगा कि इसका क्या आंसर था, मैंने कभी पढ़ा था यार, या आज पढ़ा था, या 6 महीने पहले पढ़ा था, कभी ना कभी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता था। वो चीज़ें आपको दिमाग आपके दिमाग को थोड़ी टाइम दे देगा, आप जो है सोचना शुरू कर देंगे। फिर जब ये 70 रंग लेंगे, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, कि आप थोड़ी सी अब अच्छे सिचुएशन में आ गए, अब आपको बस 40-50 के आसपास कम से कम और करना है। ठीक, फिर अब आइए 50-50 पे। ठीक है, 50-50 पे आना है, क्योंकि निगेटिव एग्ज़ाम है, और निगेटिव इसमें कितना है, 1/4 है, मतलब कि अगर आप 4 गलत करेंगे तो 1 सही का नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो जो 50-50 वाले क्वेश्चन है, 50-50 का मतलब है कि जिस पे आप श्योर हैं कि जैसे 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि 3 और 1 हो नहीं सकता है, तो इस दोनों को आप काट दीजिए,
अब पता है आपको कि इन दोनों में से नहीं होगा, या तो दो है या फिर चार है। अब इस पे आपको थोड़ी देर अपने दिमाग को टाइम दें और सोचें कि आपने इसके बारे में पढ़ा है या कौन सा सबसे मजबूत ऑप्शन आपको लग रहा है उसे आप टिक करें। तो इस तरह करके 50-50 वाले क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। जब 50-50 वाला कर लेंगे तो आप उसे भी सर्किल कर लें। अब मान लीजिए 50-50 वाले में आपने 30 क्वेश्चन किया, ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर दिया, ठीक है, जिस पे आपको डाउट था। तो 50-50 वाले का मतलब है कि उसमें हो सकता है कि 40 में आपका 28 सही हो जाए, 12 गलत हो जाए, या हो सकता है 30 सही हो जाए, हो सकता है 35 सही हो जाए। तो ऐसे ही करना है आपने, तो आप 100 के अराउंड में पहुँच गए हैं, ठीक है। अब आपको गेम खेलना है, आपको गेम खेलना है, चूँकि 1/4 है तो आपको जो नहीं पता है या जिसमें तीन में से एक पता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा समय देनी है और उसको सोल्व करना है। तो वहाँ से आपको 15-20 भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका 120 के 130 के आसपास आ जाता है। तो 130 के आसपास ही आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना है, उससे नीचे नहीं आना है। ये हम आगे वैसे बात करेंगे भी, 130 के आसपास, 130 120 से प्लस में ही अटेम्प्ट करना है। उससे नीचे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ 110 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। आखिर हम आगे हम बात करने वाले हैं इस पर। तो ये एग्ज़ाम को हैंडल करने का क्या है तरीका है, ठीक है। और सभी ऑप्शंस को, कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसका आंसर एक बार में पता है, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शंस को पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आगे दे दिया हो उपयुक्त सभी, मतलब कि इन तीनों के तीनों ऑप्शंस सही है, तो मतलब उसमें दो आपको सही लग रहा था, एक आपने उसमें से मार दिया, लेकिन आपने सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आसान क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है, आसान क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ना है। ये यहाँ तक की रणनीति आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद क्या करना है कि ये हो गई, अब आते हैं हम फेवरेट सब्जेक्ट वाले में। अब जैसे इतना क्वेश्चन हमने कर लिया, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन है, मैथ का या रीजनिंग का, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास औसत 1 से 2 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट है मान लीजिए, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 से 10 मिनट का डिमांड कर रहा है तो इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको परमवीर चक्र मिलेगा भारत सरकार की तरफ से या DSSB की तरफ से, कि आपने किसी ने इस क्वेश्चन को नहीं किया, आपने कर लिया, आपको परमवीर चक्र दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि टफ क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है आप उसको 10 मिनट से बना रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स का। और हो सकता है हिंदी का कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल आसान है, वो आप एक बार पढ़ते सही हो जाता, अब मैथमेटिक्स के चक्कर में आपने क्या किया, वो हिंदी का आसान क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल पता था आप करना जो है छोड़ दिए, उसको भूल गए आप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, जो क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सीधे काट के निकल जाइए, या देखिए कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है तो निकल जाइए सीधे उसमें से, ठीक है। तो ऐसी उसमें जो है मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर जैसे कि सेक्शंस है कॉमन पेपर में, 5 सेक्शन है आपको, उसमें मान लीजिए कि कोई सेक्शन आपका बहुत वीक है, आप उसको नहीं करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में ले जाइएगा। जैसे इंग्लिश मान लीजिए आपका कमज़ोर है, बाय द वे, या हिंदी आपका कमज़ोर है, या मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो उसको इस, जैसे एक बार तो आप टोटल 200 पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी इस रणनीति में, तो उसके पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कि इंग्लिश का आपका सेक्शन या मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत वीक है, तो आप उसे लास्ट में ले जाइएगा। जब 50-50 कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, मतलब कि थर्ड राउंड में, तो उसमें जो है उस क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में ले जाइएगा, क्योंकि अगर आपने शुरू में टफ किया जो आपको नहीं पता है तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो आप अदर क्वेश्चन जो आपको आता है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है उसे आप खींच लीजिएगा, स्कोर जितना उसमें खींच लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस स्टैंडर्ड जो है, कॉन्फिडेंस की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी, तो आपको अदर जो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट से सेक्शन बनेगा, ऐसा नहीं है, ओवरऑल आपको 40 मिनिमम 40 से ऊपर स्कोर करना है यूनिट वन में, ठीक है, जो कि कॉमन पेपर है 5 सेक्शंस में होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ रीजनिंग वाला ध्यान रखिएगा, मैं बहुत से स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि इसी चक्कर में जो है अपना पेपर ख़राब करके आ जाते हैं, तो इसे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, जो अंतिम बातें हैं, हम बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल्स कर रहे हैं, और कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, मिनिमम क्या अटेम्प्ट करना चाहिए या कट ऑफ कितना होगा। तो आपको 130 से ज़्यादा अटेम्प्ट करनी है, कम से कम 130 से 150 के अराउंड सेफ और सबसे बेस्ट स्कोर हो, 150 तक, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे भी तो भी आपको निगेटिव, चूंकि 1/4 निगेटिव है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, 1/3 होती तो बहुत ज़्यादा होती, चार में से आपको एक जो है कटेगा, तो आपको जो है 150 तक आप जा सकते हैं, 150 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़िए। अगर नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो 150 भी मत जाइए, ठीक है। आपको उसी अनुसार अपने आप को लिमिट करके ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपका स्कोर उसी में मेंटेन हो सके, ठीक है। तो 130 से 150 तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, कट ऑफ जो है 110 प्लस ही रखें, उससे कम नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो 110 प्लस तो मिनिमम जाएगा, 110 के आसपास आपको लेकर चलना है, कि कम से कम 110 से ऊपर आपका होना ही चाहिए, तभी आप फाइट में बने रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको पता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी आप क्या करें, तो इनका रिवीजन अभी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, रिवीजन पे फोकस करें अभी, ठीक है। रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले जो सैटरडे है, मतलब कल है, तो आप जो हैं थोड़ी सी पहले जो है कोशिश करें कि अच्छे से सो लें, कल रात में जो है 10-11 बजे तक सो जाएँ, ताकि जो है अगले दिन माइंड फ्रेश रहे बिल्कुल, और 10-15 मिनट पहले जो है एग्ज़ाम से पहले पढ़ना बंद कर दें। अगर हो सके तो गाना वाना जो है मोबाइल ले गया है तो मोबाइल में, या अगर आईपैड वगैरह आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे जो है गाना वाना सुने, थोड़ी देर माइंड आपकी फ्रेश हो जाएगी बिल्कुल एग्ज़ाम में जाने के लिए, तो क्योंकि रीजनिंग मैथ के लिए जो है माइंड फ्रेश होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दिमाग बहुत सारे डायमेंशन में सोच सके। तो सॉन्ग्स वगैरह सुनिए थोड़ी सी पहले, एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका दिमाग थोड़ी सी जो टेंशन है उससे बाहर आ जाए, और आराम से पेपर हैंडल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत जाइए कि निगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। 150 तक जाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, आप ग्रुप में जाइए, ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, बहुत सारे पोस्ट अभी और डाले जाएंगे, वहाँ से आप उन सब चीज़ों को पढ़िए, रिविज़न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे से जो है पेपर देकर आइए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे इस रिलेटेड, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।